दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 45x40 हाउस प्लान का, मतलब कि 44x40 फुट में आज पूरा मकान डिजाइन करेंगे, जो कि एक ग्रामीण इलाके के लिए डिजाइन किया गया मकान है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाके में फ्रंट में सबसे पहले बारंदा बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते होंगे तो आपको पता होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा प्लान है, वो भी दो भाइयों के लिए है। यहाँ पर आप बिल्कुल सेपरेट मैंने क्रिएट किया है दो भाइयों के लिए, 45x40 में 45x40 फुट में पूरा मकान डिजाइन किया गया है दो भाइयों के लिए। तो इसी को डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहिए शुभम लगातार, मैं उपवन झाकड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। यदि दोस्तों आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मैंने आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, जो कि आप देख कर कभी भी बनवा सकते हैं जब भी आप अपना घर बनवाने को पहुँचे। तो आज का जो प्लान है 45x40 में उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये आपको फ्रंट में चार पिलर मिलते हैं, बीच में पिलर्स के बीच में काफ़ी गैप है, तो आप यहाँ पर बीम का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, मोटा बीम डलाना पड़ेगा, सरिया भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बीम का साइज का मतलब पिलर्स के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैंने ये क्यों क्रिएट किया है, ये मैंने सिमिलरिटी के लिए क्रिएट किया है, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फ्रंट एलिवेशन आपका ये, और ये देखिएगा चारों तरफ से थ्री साइड यहाँ पर क्लोज्ड है, सिर्फ फ्रंट में आपका ओपन है। तो ये मेन डोर है और साइड में बेडरूम्स है, उसके लिए भी डोर और विंडो दिया है। साइड में इधर भी लेफ्ट हैंड में भी एक बेडरूम है, तो उसके लिए अलग भी डोर और विंडो दिया है। और यहाँ पर आपके साइड में किचन बने हुए, इसलिए मैंने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ, क्योंकि दो भाइयों के लिए, तो यहाँ पर दो किचन है, पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया है, बिल्कुल बीचों बीच से सिमिलर प्लान है। तो अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका देखिए ग्राउंड फ्लोर है, आप देख पा रहे होंगे इसका ग्राउंड फ्लोर। जैसा आप एंट्री करते हैं स्टेयर से, तो सबसे पहले आपको बारंदा मिलता है, ये बारंदा, उसके बाद ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। तो यहाँ से आप अंदर आते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड में आपको ये किचन मिल जाता है, इसीलिए मैंने बाहर से विंडो दिया है, वेंटिलेशन होता रहे। और आप जैसे आते हो तो लेफ्ट हैंड में दो बेडरूम आपको मिल जाते हैं, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। अब यहाँ पर देखिए एक पिलर मैंने बीच में और बनाया इस साइड, यहाँ पर ये आपके अंदर भी एक बारंदा टाइप का है, आप ये देखिएगा, जिसमें आपका ओपन पूरा रहेगा, ये पूरा आंगन आपका बड़ा सा रहेगा। तो लेफ्ट हैंड में दो बेडरूम और किचन, राइट हैंड की बात करें तो सिमिलर दो बेडरूम और किचन, इन्हें लेट बाथ की आवश्यकता नहीं था, इनका लेट बाथ कहीं बाहर बना होगा तो इन लोगों को लेट बाथ की आवश्यकता नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट पर मैंने ये घर क्रिएट किया। अगर हम बात करें ये बारंदा जो वहीं स्टेयर से दिए ऊपर चढ़ने के लिए, अगर देखिए इधर से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे टर्न होकर आ जाएंगे, अगर आप राइट हैंड में भी स्टेयर्स देना चाहते थे इसी कॉर्नर पर दे सकते, क्योंकि स्टेयर्स की नहीं केवल एक आवश्यकता थी, भविष्य में कभी भी जब इनका बंटवारा होगा तो आराम से ये लोग भी अपना इधर राइट हैंड वाले भी अपना एक स्टेयर्स बना लेंगे और आराम से ऊपर जा सकेंगे। ये देखिएगा पूरा कंबाइंड प्लान जो आप देख पा रहे होंगे, पूरा सिमिलर प्लान दो भाइयों के लिए बेहतरीन सा 45x40 में बनकर रेडी हो जाता है। अगर फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको बेहतरीन सा देखने को मिलता है, तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज मिलती हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर खासा कुछ डिज़ाइन नहीं किया, जो कि मैं पहले ही बता चुका था। ये पीछे वाला पोर्शन जो बारंदा वाला पोर्शन था उसे मैंने यहाँ पर कवर्ड कर दिया स्टेयर्स वाला, और चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री, फ्रंट में जो ग्रिल इस्तेमाल की है ये देखिएगा थोड़ा ये कॉर्नर पर मैंने जो इस्तेमाल की अलग टाइप की है, फिर इसके बाद ये स्टील रेलिंग है और बीच में झरोके टाइप के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। लास्ट फ्लोर पर ये छत मैंने और बना दिया है। तो ये आपका अगर हम बात करें 45x40 फुट में ये घर बनकर रेडी हो जाता दो भाइयों के लिए, कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।